मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हूं मुंब्रा के चरनीपाड़ा में और आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर आ रही सामने कि यहां पर चरनीपाड़ा के बाईपास से लगकर जो पूरा इलाका है यहां पर कई घरों की जो है टोरेंट पावर ने बिजली काट दी है। दरअसल क्या वजह है बिजली काटी गई है, स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अल्ताफ शाह है। आपके घर की भी बिजली काटी? बिल्कुल, गई बिल्कुल। कब काटी गई है? ये आज सवेरे काटी 11 बजे। क्या बोलकर काटा गया आपको, क्या इसके बारे में? नहीं जानकारी नहीं, कोई जानकारी कुछ नहीं, हमारे को कोई जानकारी नहीं दी गई इस बारे में। हाँ, आपने कुछ मीटर उटर लगा था आपके घर पे? बिल्कुल लगा हुआ था मीटर पहले, तो बकाया बिल पीडी करा हुआ था। तो ये लोग ने बोले क्या 110 की पावती बनाओ, हमने 110 की पावती बनाई सारी। 110 की पावती नए मीटर लेने के, नए मीटर का कनेक्शन के लिए। तो नया मीटर लगा आपके? नहीं लगा, नहीं। ये देखो ये सारे, ये पावती होने के बावजूद भी काट दिया गया, काट दिया गया। और यहाँ पर सारे लोगों का यही हाल है। क्या नाम है आपका? रोहित बुजड़। आपका क्या लाइट काटा गया? लाइट काटा गया कारण अभी घर में छोटा बच्चा आने वाला है, अभी बेंगू लड़का वाला है, वही बच्चा आने वाला है। तो अभी जो पैसा वैसा सब तोड़ो ऑफिस में सब भर दिए, पूरा बिल पूरा पे करके आया, 1800 रुपए जमा कर रहे हैं, बोलते 10 दिन में आएगा, लेकिन 10 दिन से अभी तक आए नहीं उन लोग। मीटर लगा नहीं, नहीं मीटर लगाए और लाइट भी काट दी इन लोग ने। अब बिना बताए 5 मिनट रुके भी नहीं, काट के डायरेक्ट फटक से भाग गए लोग। 5 मिनट रुक लगाएंगे वो लोग तब लाइट? मेरे को बोले खाली 10 से 12 दिन में लगाएंगे, लेकिन अभी 15 दिन हो गए, लेकिन लगाने कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें लगाने चाहिए, कन्फर्म तो करना चाहिए, तुम लोग लाइट काट रहे जिस जिसका मीटर पावती दे ले, तुम लोग 5 मिनट रुको, यही बताओ 5 मिनट रुको, फिर उसमें जाओ उधर। पाँच मिनट बोल के इतनी धांधली हो रही है यहाँ पर, क्या समझे, बहुत धांधली हो रही है यहाँ पर, इंसाफ नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिंपल। क्या इंसाफ होता है, कुछ भी नहीं, गरीब के ऐसे इंसाफ करेगा थोड़ा ना होता है। मतलब मिडिल क्लास के फैमिली, मतलब जिसका जो पैसे वाले उसका सोचने का, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? भर के आए हैं, पौती ही भरवा लिए, बोले पौती बनाओ आपको मीटर लग जाएगा, बोले पौती लेके जाओ 110 की मीटर 2-4 दिन में आ जाएगा। 110 रुपए आपने जमा? ये देखिए बीस में लिखा हुआ है, बोले आज 2-4 दिन में मीटर आएगा। हाँ। अभी तक मीटर आया नहीं, आया रमजान से पहले का। अच्छा, लाइट है? लाइट काट दिए, काट दिए रमजान में भी 3-4 दिन हैरान किए। अच्छा। उसके बाद ये हमारे भाई ने बोले तो रमजान। अब देखेंगे काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 100 से भी आसपास के ज्यादा घरों की बिजली काटी गई है। जो स्थानीय पूर्व नगर सेवक है शाह आलम वो भी यहाँ पर है। शाह आलम भाई क्या कहेंगे आप? नमस्कार, अधिकारी से ही बात कर रहा हूँ। पंचाल साहब नमस्कार। हाँ बोलिए। पंचाल साहब शाह आलम आजमी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो साहब। साहब इधर अभी चरनी पाड़े पे 250 लोगों की लाइट काटी है सुबह 11 बजे से। इसमें से देखो कितने लोग की पावती 1800 वाली भी भरी हुई है, 110 वाली भी भरी हुई है, और कुछ लोग का जो मीटर आप लोग नहीं दे रहे बोले वो फॉरेस्ट में। तो साहब ये 25-30 साल से आबादी उधर रह रही है, वो लोग मीटर मांग रहे हैं, आप लोग मीटर नहीं देंगे तो फिर लाइट कैसे मिलेगी उनको? आप मीटर भी नहीं दे रहे और लाइट भी काट दिए साहब। मैं तो अभी नहीं हूँ ऑफिस में। हाँ तो कल मैं बात करता हूँ ना साहब। मगर अभी ये पब्लिक है, देखो 200 सुनो ना 200-250 लोग इधर रोड पे जमा है, ये मीडिया वाले भी आए हैं, मुझे भी बुलाए, मैं भी अपना त्योहार छोड़ के, मेरे बेटी बच्चे सब आए, लेकिन मैंने इनके लिए वापस भाग के इधर आया हूँ घर छोड़ के। अभी मैंने उसको फोन किया था संतोष बेनेकर को कि साहब तुम इनको मीटर दो, मैं खड़े रह के बोल रहा हूँ ये लोग मीटर लगाएंगे, तुम लोग मीटर तो दो, मीटर भी नहीं देंगे साहब और लाइट काटेंगे तो ऐसा चलेगा क्या? सलाम भाई, मैं अभी थोड़ा सा काम में साहब आप कहीं भी रहो, आप एक खाली फोन कर सकते ना सर, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली एक फोन मैं बात करता हूँ, लेकिन मेरे को कल थोड़ा सा ये मेरे को आप लाके दो, मैं कल आने वाला हूँ। अच्छा हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, 110 वाली भी है, फॉरेस्ट विभाग ने आपको लेटर दिया है क्या कि मीटर नहीं देने का इधर? अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन हेलो मैं क्या बोल रहा, आप हेलो मेरे को लेटर नहीं चाहिए, मेरे को मीटर चाहिए साहब, मेरे को लेटर क्या करूंगा, मेरे को मीटर दो लोगों को मीटर। सुनो ना मैं क्या बोल रहा साहब, आज रात अभी अंधेरे में रहेंगे, आज लाइट चालू कराओ, भेज के फेस डालने बोलो, कल सुबह में 11 बजे पूरी पब्लिक को मैं जमा करके आपके आदमी के सामने बात कराता हूँ, मीटर कराता हूँ। हाँ तो आप भेज रहे हैं, क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ इन लोगों पब्लिक को? हाँ बात करके मेरे को कॉल करो साहब, कॉल करो, मैं पब्लिक में हूँ, मीडिया के सामने हूँ खड़ा मैं। मीडिया
सामने रहो, मेरे को उससे नहीं मैं ओके ठीक है ओके आओ हाँ बात करके मेरे को कॉल करो साहब, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। टाइम लगेगा ठीक है, आपका कॉल का मैं वेट कर रहा हूँ। ओके क्या उन्होंने कहा शालम भाई, क्या बताया उन्होंने कि फॉरेस्ट विभाग ने कुछ लेटर वगैरह दिया? अभी ये तो बोल रहे हैं कि हमको ने फॉरेस्ट ने लेटर दिया है कि फॉरेस्ट में जो जमीन में घर बने हैं उनको आप मीटर मत दो। फॉरेस्ट जब से क्या सो रही थी क्या, अंधे थे क्या? 25 साल से लोग रह रहे, 25 साल से लोग रह रहे, तब फॉरेस्ट कहाँ गया था? जब फॉरेस्ट में लाइट नहीं थी क्या वहाँ पे? तब भी लाइट थी ना। अब ये लोग नया कानून ला रहे ले प्राइवेटाइजेशन करके, इनसे समझ में नहीं आ रहा ये कि जो प्राइवेट जो जो कंपनियां प्राइवेट ले रही वो अपना कानून चला रहे, देश में कुछ है क्या नहीं, ये गरीबों का क्या है? देखो ये लोग है ये पीछे, देखो पूरी पब्लिक, ये सब इनका जमा हुआ है, उसके बाद भी लाइट कट करके जा रहे, इनके लाइट कट करके जा रहे, ये इनकी दादागिरी चल रही है। जितने भी लोग हैं सबके कोई 1800 भरा है, कोई 110 120 का कुछ पावती जमा करके आया है, उसके बावजूद भी महीनों करके ये कहा जा रहा था कि आपका मीटर फटाफट लगेगा, लेकिन क्यों नहीं लग रहा है? ये लोग मीटर भी नहीं लगा रहे, खाली ये लोग केस कर रहे और लाइट काट रहे। इन लोग का रोज का डेली की लाइट कट रही है, सुबह 11 कितने बजे लाइट जा रही है डेली? ये लोग डेली, आज का दिन नहीं डेली, ये लोग सुबह 11 बजे लाइट कट करते थे, सुबह 11 बजे लाइट कट करते थे, शाम में 6 बजे चालू करते थे। तो जब रमजान आया तो मैंने उनको फोन करके बोला कि रमजान में तुम लोग लाइन कट मत करो। लेकिन अभी अधिकारी जो जिनसे बात की आपने, क्या नाम था? पंचालकर, पंचालकर, वो कह रहे हैं कि हम सुबह बात करेंगे, अभी देखेंगे, तो रात भर ये लोग कैसे अंधेरे में रहेंगे? ना अभी मैं तुम्हारे सामने फोन किया ना कि तुम रात में लाइट चालू करो, सुबह से हमारे बच्चे अंधेरे में परेशान है, सुबह से हम लोग घर के प्रेशर में, आ जाओ थोड़ा के प्रेशर में, हम लोग मैग्रीन है मेरे को, मैं हार के प्रेशर में सुबह से कर रही हूं, मैं लाइट बिल का लहर में पड़े बनते पावती हम लोग के पास है, सब कुछ हम लोग के पास है, लाइट कट करे बिल बोले पावती भी है मेरे घर में मीटर की, और क्यों लोग ने लाइट बंद की है? मीटर है क्या? मीटर नहीं है, पावती ला के रखे ले। कितने की पावती है? क्या मालूम, मेरे को मालूम, मेरे आदमी को मालूम है। मीटर लगा नहीं अभी तक? कितना दिन हो गया लगभग भरे? वो कितना दिन हो गया मीटर की पावती मामू ने लाए? 110 की पावती ना, मालूम है मेरे रमजान के पहले, रमजान के पहले, रमजान के पहले लाए, मैं गया था टोरंट ऑफिस में, समझ रहे? एक मिनट, मैं जरा टोरंट ऑफिस में गया था ना, तो मुझे क्या बोले, पीडी का जो पैसा है ना वो आपको भरना पड़ेगा। ओके, भरना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी का 80,000 है तो बोले तुम्हारे को 6-7,000 रुपए इंटरेस्ट का कम कर देंगे। ओके, इंटरेस्ट का कम करने के बाद में वो लोग ये बोल रहे हैं कि बाकी तुम 5 चेक दो और पैसे भरो, ऊपर के 20,000 रुपए भरो और 5 चेक दो। आप मुझे ये बताओ, जिसका अकाउंट नहीं है वो क्या अकाउंट नहीं है वो क्या करेगा? और सेकेंड टाइम दूसरी बात ये है कि टोरेंट वाले ने जो लिया है कॉन्ट्रैक्ट 20 साल के बेस पे लिया है, बराबर ना? तो आप 5 महीने का टाइम कैसे देते हैं भरने का पैसा? हमको दो भाई, 2,000 रुपए भरो, 1,000 रुपए भरो महीना। तो पीड़ित का पावती, मेरा पावती अभी बनाए वाला है, पैसा जमा करे तो नहीं बोलते जमा करने के लिए। पेंडिंग वाला है ना, ये सब बेटा, ये 1800 की भी पावती भरी हुई है, 1800 की भी पावती भरी है, ये मीटरों की पावती भरी हुई है, उसके बाद भी ये लोग लाइट नहीं दे रहे। लाइट मंदिर की लाइट काट करके गए, मंदिर की लाइट, मंदिर को, मस्जिद की लाइट, सबको कट करके जा रहे हैं ये लोग। फॉरेस्ट के अंदर ये लोग मीटर नहीं दे रहे, उनके बाप का राज चल रहा है, फॉरेस्ट के अंदर ट्रांसफार्मर कैसे लगाए? फिर कितने बोला फॉरेस्ट में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए? वो ट्रांसफार्मर का फॉरेस्ट में है ना, तो फॉरेस्ट में लाइट चालू करो, मीटर दो तुम उसको, पब्लिक मीटर लेने को तैयार है तो वो फॉरेस्ट से क्या लेना देना? हाँ, फॉरेस्ट किधर सोया था? 20-25 साल की आबादी बसी है, किधर गया था फॉरेस्ट ऑफिसर? वो पब्लिक, ये गरीब की उसके बच्चे होंगे? शालम भाई, ये पूरा इलाके में लगभग कितने घरों की बता रहे लोग की? करीब 100 से भी ज्यादा घरों की, 250 घरों की, लोगों की। आज मैं 4 बजे से परेशान हूँ, पब्लिक का फोन आ रहा, 4 बजे से पब्लिक मेरे को फोन कर रही, 4 बजे से मंदिर तक की भी लाइट काट के गए लोग ने, 4 बजे से लोग फोन कर रहे हैं। मैं इनके 3 अधिकारी को फोन किया, लोग बोले लाइट नहीं चालू करेंगे साहब, आपने बोले थे रमजान के बाद आप करना, तो ऐसे
ऐसा चलेगा क्या कि लाइट कट करके चले जाने का घर पे आओ हमारे ऑफिस में? अरे यहाँ आओ, मसले का हल करो। पब्लिक, मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ मीटर लो, मैं बोल रहा हूँ पब्लिक को मीटर लो, पब्लिक मीटर लेने को तैयार है। तुम मीटर दो ना, तुम मीटर दो और लाइट दो उनको। ये कौन सी दादागिरी चल रही है? मीटर भी नहीं दे रहा तू और लाइट भी कट करके जा रहा है, इसके बाप का राज चलता है क्या यहाँ के मुमरा कौसा के? एक मिनट सुन, मुमरा कौसा के जो जिम्मेदार नेता लोग हैं उन लोगों ने बयान भी दिया था कि टोरेंट पावर सबको मीटर लगा के देगी, पीडी का जो बकाया बिल है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मीटर घर घर सबको लगा कर दिया जाए। लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि लाइट काट दी गई है 100 से भी ज़्यादा घरों की जो आप बता रहे हैं, और लोग जो है 1800, 105, 110 का जो बिल भरे हैं, पावती लिए हैं मीटर लगाने के लिए, वो भी नहीं लगाया जा रहा है, कई महीना गुजर गए हैं। वो जिम्मेदार नेता किधर है? कहाँ गया जिम्मेदार नेता मुमरा का जो ठेका लिए थे, जो मुमरा को टोरेंट को लाए? क्यों नहीं आ रहे इनके दुख के लिए? आज ये एक महीने से परेशान है, 200-250 जन की लाइट काट के गए। कोई नेता आया क्या? कोई नगर सेवक, कोई एमएलए आया क्या? एमएलए कहाँ गया अभी? आज उसको नहीं दिख रहा है, अंधे ये गरीबों नहीं दिख रहे, उसका दर्द। आप लोग क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं के बारे में, क्या ख्याल है? एक एक बोलो, समझ में आएगा। मीटर लगा के दो बस, जल्दी जल्दी हम लोग को मीटर लगा दिया था, चले तो हम लोग को आज लाइट चाहिए। यहाँ के नेताओं ने बयान दिया था कि घर घर मीटर लगा कर टोरेंट पावर दे, तो जो बकाया है वो बाद में देखा जाए। फिर वो लगाना चाहिए ना, लगाना तो हमारे बात क्या है? नेताओं के बारे में बोलो, क्या हाल करके रख दिए हमारे? क्यों नहीं कर रहे वो नेताओं ने वादा किया था? जो नेताओं ने वादा किया था कि मीटर मिलेगा तो पब्लिक मीटर लेने को तैयार है, कभी पूरे शहर में कभी इन्होंने पता किया कि पानी का कैसे सॉल्व हो रहा? पब्लिक परेशान है, एक भी दिन एमएलए साहब का कोई स्टेटमेंट आया लाइट को लेके, मीटर के लिए, कभी टोरेंट के लिए आमदार साहब का कोई स्टेटमेंट आया? कभी आया? कभी उनकी पार्टी के कोई नगर सेवक का, उनके अध्यक्ष का, किसी का कोई आए? इससे पहले भी इधर 150 लोग की लाइट काटे, सुनो, इससे पहले 150 घर की लाइट काट के गए ये लोग। कहाँ गए थे ये नेता लोग? कहाँ गए थे नेता? ना लाइट को पूछने का, ना पानी को पूछने का, ला के प्राइवेट स्टेशन खाली करके तुम चले जा रहे लोगों को। भाई अभी लाइट तो काट दिया गया है, आपने अधिकारी से बात भी किया, सुबह बोल रहे करने के लिए, यही बात है ना? लेकिन अभी रात में कैसे ये लोग रहेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे आप इनकी? ताकि आपके सामने अधिकारियों को फोन कर करके बात कर रहा हूँ कि रात को लाइट चालू करो, तुमको जो भी मसले का हल करना है ना, सुबह 11 बजे आओ, 10 बजे आओ, मैं आता हूँ। लेकिन टोरेंट के सामने भी सवाल खड़ा हो रहा है उनका, जो आप बात की वो कह रहे हैं कि हमको लेटर मिला है फॉरेस्ट से कि यहाँ पर आप मत लगाइए। अच्छा, फॉरेस्ट का लेटर मिला है ना, तो फॉरेस्ट 25 साल, अभी फॉरेस्ट के अंदर ट्रांसफार्मर कैसे लगा है? फिर कैसे लगा है ट्रांसफार्मर? फॉरेस्ट ने दिया उसको परमिशन दिया गया मीटर इधर लगा ले ट्रांसफार्मर दिया गया? नहीं दिया ना। तो उसी तरीके से जब ये कंज्यूमर, ये गरीब लाइट तुमको लेने हो, मीटर लेने को तैयार है, रो रहा कि ठीक है महंगी है फिर भी हम लोग भरेंगे लाइट, लाइट तो दो। देखो हिंदुस्तान का कानून है, आप लाइट और पानी कन और रास्ता किसी का बंद नहीं कर सकते, ये अधिकार है मेरे देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये संविधान दे के गया है। तुम इनको लाइट दो, पैसा चाहिए ना, बिल भरेंगे नहीं, ये जब बिल नहीं भरेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का उसमें भी टाइम वो देने का परमिशन वो है, वो कानून है कि 3 महीना उनको लाइट दो, नहीं भरेंगे तो 4 महीने में तुम उसकी लाइट काटो। तुम पहले मीटर तो दो, लाइट तो दो, उसके बाद काटो ना, ये कौन सा तरीका है? ये हम लोग हिंदुस्तान में रह गए, किसी और शहर, किसी और मुल्क में रह रहे? हाँ, ये कैसा चलेगा कानून? कैसा चलेगा बोलो ना, इतनी आवाम खड़ी कैसा? 1 महीना ये भाई ने संभाले रमजान में, 1 महीना संभाले, नहीं रमजान भी हम लोग का खराब जाता। हमारे साले आलम क्या संभाले, क्या संभाले? सवाल ये है भाई, अगर तुम मीटर नहीं लगाते तो कम से कम हमको पावती दो, लाइट चालू करके रखो, बोलो भाई मीटर नहीं देंगे तुम महीने का जो होता है हमसे लेके जाओ पैसा। नहीं नहीं, तो मीटर लगाएंगे तभी तो पैसा लेंगे तुमसे, तो हम ये भी राजी है ना, अगर मीटर नहीं लगाते हमको लाइट बिजली इस्तेमाल करोगे इतना पैसा, हम पैसा भरने को राजी है ना भाई। उमरा का चरनी पाड़ा इलाका है और यहाँ पर इस तरह से यहाँ समाधान पूरा बताया कि करीब 100 से भी ज्यादा
आधा घरों की जो है बिजली वो काट दी है टोरेंट पावर ने। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों ने जो है यहाँ पर मीटर लेने के लिए बिल भी 1800 की पावती कटाई थी, किसी ने 110 या 105 का पावती कटाया था। कई महीने गुजर गए लेकिन अभी तक उनके घरों में मीटर नहीं लगा है। बात ये भी सामने आ रही है कि टोरेंट पावर की तरफ से भी जानकारी दी गई, जिसका अधिकारी जिसे बात किए शालम भाई ने, तो ऐसा बताया गया कि फॉरेस्ट विभाग ने एक लेटर दिया है कि ताकि जो है वो दिया है कि मीटर जो है यहाँ पर ना लगा जाए, क्योंकि ये फॉरेस्ट विभाग में आता है। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से जो है कनेक्शन यहाँ पर काट दिया गया है, लोग जो है अंधेरे में यहाँ पर रहने को मजबूर है। इसी तरह से आप बताएंगे कि कई घर यहाँ पर है बाईपास से लगकर जो एरिया है चरनीपाड़ा का 200-250 घर, लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो काटा गया है और लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। आप देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान है, सब अपने अपने टैक्स पावती और जो टोरेंट पावर में उन्होंने पैसा जमा किया मीटर लेने के लिए, सभी कागज यहाँ पर लाकर दिखा रहे हैं। बहरहाल सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से ये तमाम भीड़ इकट्ठा हुई है, आप देखेंगे यहाँ इन लोगों की जो है बिजली काट दी गई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह से ही बिजली काटी गई है, लोग काफ़ी परेशान है। अभी रात हो गई है, करीब 8 बजने वाले हैं रात को, सभी लोग अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। यही स्थानीय जो नगर सेवक है, पूर्व नगर सेवक शाहआलम MIM पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद है और टोरेंट पावर के अधिकारियों से लगातार वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि जो बिजली काटी गई है उसे दोबारा जोड़ी जाए और इसके बारे में जो भी समस्या है वो बैठकर बातचीत करके उसका हल निकालने की कोशिश जो है की जा रही है।